original da mafia. वेलकम टू द प्रिंस भाटी देवल शो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जो ये सब्सक्राइब का बटन है, आप इसके साथ खेलो कूदो कुछ भी करो, मुझे नहीं पता आखिर में ये दब जाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और फिल्मी रिव्यू। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। फिल्म दिल बेचारा की कहानी। सुशांत सिंह राजपूत के 1.5 महीने बीत जाने के बाद उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा देश विदेश के दर्शकों के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। सुशांत के फैंस को उनकी आखिरी फिल्म पसंद आएगी, लेकिन फिल्म का दर्द भरा थीम शायद इतने लोगों तक पहले की तरह ना जोड़ पाए जैसे सुशांत की पिछली फिल्म सिचोरे ने जोड़ा था। कल होना हो, आनंद और अखियों के झरोके जैसी फिल्मों में इमोशन जगाने की पूरी कोशिश की गई है, जो कहीं पर है और कहीं पर नहीं। फिल्म का थीम और मौत पे प्यार से अजीब लड़ने की बात हमें सिखाता है। सुशांत की रियल लाइफ मौत ने सबके लिए सवाल पैदा कर दिए हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने मौत के लड़ने के कई फलसफे सिखाए हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। सुशांत फिल्म में एक मैनी का किरदार निभा रहे हैं, जो एक दिव्यांग होते हुए भी जिंदगी खुल के जीता है, और उसकी मुलाकात होती है थायराइड कैंसर से जूझ रही बंगाली लड़की कीजी वासु से। कीजी हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर चलती है और जिंदगी हमेशा दुखी मन से जीती है। जब दुखी कीजी खुशनुमा मैनी से मिलती है तो बदल जाती है उसकी जिंदगी। मौत से लड़ते लड़ते कीजी और मैनी दोनों करीब आते हैं। कीजी हर सपने को पूरा करने के लिए मैनी की पूरी कोशिश करता है, आखिर में खुद जिंदगी से खुशी लड़ते लड़ते वो मर जाता है, लेकिन मरते मरते कीजी को जीवन में दे जाता है खुश रहने का मंत्र। ये फिल्म मशहूर नॉवलिस्ट जॉन ग्रीन की किताब द फॉल्ट इन ओवर स्टार पर आधारित है, जिस पर 2 साल पहले भी एक अंग्रेजी फिल्म बन चुकी है। अमेरिका का लोकेशन यह जमशेदपुर बन गया है और फिल्म को शुद्ध देसी और आज के जमाने का बनाया गया है। जमशेदपुर की गलियों की कहानी पेरिस भी जाती है। फिल्म में खास है सुशांत और संजना की केमिस्ट्री। फिल्म का मुख्य आकर्षण है सुशांत और संजना की केमिस्ट्री। संजना ने कीजी वासु के किरदार को बहुत खूबसूरती से निभाया है। फिल्म में ढेर सारे क्यूट मोमेंट्स भी हैं जो दर्शकों को काफ़ी अच्छे लगेंगे। सुशांत ने छिछोरे और धोनी के बाद एक और मजी हुई परफॉर्मेंस दी है। फिल्म उड़ान के बाद जमशेदपुर की लोकेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म होने की वजह से फिल्म ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हुई है, डिजिटल माध्यम से इससे ज़्यादा लोग देख पाएंगे। फिल्म का विषय हल्का फुल्का ना होकर थोड़ा संजीदा होने से फिल्म का मनोरंजन फूट थोड़ा कम है। फिल्म में AR रहमान का संगीत मधुर और कहानी को सूट करता है। डायरेक्शन सुशांत और संजना के अलावा फिल्म में बंगला फिल्म कलाकार वास्तविक मुखर्जी, शास्त्रा, साहिल, वैद ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। सैफ अली खान का रोल फिल्मी खास है। फिल्मों के कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में मशहूर मुकेश छाबड़ा ने फिल्म में पूरी कोशिश की है। किरदारों को इमोशन से फेस करने के लिए कुल मिलाकर सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। नमस्कार, अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और जुड़े रहें प्लीज़ भाटी देवल शो में। नमस्कार।